अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी फ्लेवर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी आलू के डोनट्स। आपने दूसरे मीठे डोनट्स तो खाए होंगे, वो मैंने आपको पहले बताए हैं वीडियो में। तो आज मैं आलू के डोनट बना रही हूँ, बहुत ही ईजी हैं, तो आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चार आलू लिए, उनको बॉयल कर लिया और उनको ग्रेट कर लिया। इसके साथ मैंने ग्रेट कर लिया, ग्रेट करना ज़रूरी है, हाथों से मैश नहीं करना है, ग्रेट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक लहसुन लिया, उसको भी ग्रेट कर लिया। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून क्रश चिली और हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। आप मैदा भी डाल सकते हैं, मैं कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। 2 ब्रेड के स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बना लिए, वो डाल दिए मैंने। 1 एग डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। अब इसको हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। आप इसमें हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल सकते हैं। हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब इसको मैं डोनट की शेप दे देती हूँ। अब इसको यूँ इसमें होल कर देती हूँ। तो ये देखें, डोनट्स की शेप दे देती हूँ। बड़े आराम से, आसानी से ये डोनट्स बन जाएंगे। अब जो मैंने वो बनाना है, ये अब चीज़ वाला मैं एक डोनट बनाऊंगी। कुछ डोनट्स जो हैं वो मैं चीज़ वाले बनाती हूँ, उसमें मैंने चेडर चीज़ डाल दी है। कोई भी आप चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला या चेडर चीज़। तो ये देखें, ये उसका जितना मैंने पहले डोनट बनाया उसका हाफ ले लिया। ये देखें, जो डोनट्स बनाए हैं उन दोनों का हाफ ले लिया और बीच में मैं यूँ चीज़ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर दूसरा डोनट मैं रख देती हूँ और इसको शेप दे दूँगी साइड से ऐसे। तो ये देखिए, चीज़ वाला डोनट तैयार हो गया है। अब एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जिस तरह उसका हाफ लिया आपने, उसका हाफ ले लिया, अब इसमें मैं चीज डालती हूँ। अब उसमें मैंने चीज़ डाल ली। अब इसमें शेप दे देती हूँ, इसे मैं शेप दे देती हूँ। अब इसमें मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और क्रश चिली डाल दी है, जिसको मिक्स कर लिया है। सबसे पहले ये डोनट्स को आपने इसके अंदर इसके बाद मैं इसको
ब्रेड क्रम्स लगा लेती हूँ इस पे। इसको मैं साइड पे रखती जाती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे को भी कर लेती हूँ। पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद शेप आप थोड़ी सी बाद में भी सेट कर सकते हैं। गरम हो गया, अब मैं ये ऑयल में डाल देती हूँ। अब इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दे देते हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। अफ्तारी में तो ये होता है ना कि रोज़ दिल करता है कि कोई नई चीज़ बनाए। बच्चे भी पसंद करते हैं, बच्चों ने रोज़ा रखा होता है, उनकी तो फरमाइश होती है कि रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बने। देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त से डोनट्स हमारे तैयार हो गए हैं। मैं इनको निकाल देती हूँ। बहुत ही डिलीशियस डोनट्स तैयार होते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से डोनट्स तैयार हो गए हमारे, बहुत ही मज़े के, और बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और देखिए कितने क्रिस्पी डोनट्स तैयार हुए हैं, आपको आवाज़ से पता चल गया होगा। और ये देखें ज़बरदस्त से डोनट्स तैयार हो गए, आप ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।